तो अभी शायद से समझ तो नहीं होगा क्योंकि भारी बर्फबारी हो गई है, बट बेस पहुंचने का ट्राई करेंगे हम। वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फाइनली केदारकांता समेत कंप्लीट। हम लोग आ चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट एंड फ्लाइट हम लोग की 1 बजे है एंड यहाँ से फिर हम लोग देहरादून जा रहे हैं। तो 4 दोस्त लोग हैं हम लोग यहाँ से मुंबई से, मैं और विपिन है एंड दिल्ली से 2 जन आ रहे हैं, नमन करके उसका नाम है, तो मैं आपको मिलाऊंगा देहरादून पहुँच के। तो देहरादून पहुँचेंगे, हम लोग का कुछ फिक्स प्लान नहीं है कि देहरादून में रुकना है या रात को ही संकरी के लिए निकलना है, बट वहाँ पर पहुँच के देखेंगे। तो प्लान ऐसा है कि शायद से देहरादून में नाइट स्टे होगा, फिर सुबह 8 बजे की बस है सांकरी से, जो कि देहरादून से सांकरी के लिए 8 बजे की बस है। तो देहरादून में नाइट स्टे करके सुबह सांकरी के लिए 8 बजे निकलना है। तो मिलते हैं डायरेक्ट देहरादून से, मैं आपको अपने दोस्तों से भी देहरादून में मिलाता हूँ एंड आगे का सफ़र जैसे जैसे होगा मैं आपको सारी स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग बताऊँगा कि कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या नहीं, हर एक डिटेल में बताऊँगा, बट अभी नहीं, ऑन द वे, चलिए चलते। तो हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ और सच कहूँ तो ये सफ़र काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। फ्लाइट में विंडो सीट की एक्साइटमेंट से लेके अपने शहर को बादलों के बीच से देखने तक हर पल मानो सपना सा था। फ्लाइट बोर्ड की है एंड 2 hours 15 minutes का फ्लाइट टाइम है। तो यहाँ से अराउंड 5 बजे तक हम लोग देहरादून पहुँचेंगे, फिर देहरादून सिटी जाना है हमें एंड देन फिर वहाँ से ओवरनाइट स्टे है देहरादून में, जो मैं, विपिन एंड और 2 दोस्त हैं जो कि दिल्ली से आ रहे हैं, तो हम लोग देहरादून में ओवरनाइट स्टे करने वाले। फिर देहरादून से सांकरी के लिए सुबह 8 बजे बस है, तो सुबह 8 बजे की अगर बस मिस होती है तो बस के अलावा बहुत सारे टैक्सीज या फिर ट्रैवलर्स होते हैं बसेस, तो देखते हैं सांकरी पहुँचते हैं। होटल बुक कर लिया, होटल आश्रय, एंड आज रात को हम लोग देहरादून सिटी में ही रुकेंगे एंड कल सुबह सांकरी के लिए 8 बजे की बस है। तो प्लान सही है कि ठंडी काफी बढ़ चुकी है, हम लोग ने जितना एक्सपेक्ट किया था कि देहरादून में इतनी ठंडी नहीं होगी, इस टाइम पे ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, टोपी जैकेट कुछ काम नहीं आ रहा है। सो देखते अभी हम लोग जैसे होटल पहुँचे, अभी खाने का पीने का सब देखना पड़ेगा, बहुत भूख लगी है, बहुत ट्रेन आउट हो चुके हैं फ्लाइट से।
तो मिलते हैं कल सुबह सांकरी की बस में या फिर कैब में. टिल देन सो जाओ अच्छे से. क्या हो रहा विपिन? बहुत ठंड लग रही है, पता ही नहीं चल रहा है चाय में से बाफ आ रही है या हमारे मुंह में से बाफ आ रही है. बताना एक बार चाय कैसी है? तंगड़ी बहुत तंगड़ी. तो अभी हो रहे 7:30 सुबह के. प्लान ऐसा है, अभी हम लोग देहरादून में, तो प्लान ऐसा है कि हम लोग ने कैब बुक किया एंड फिर यहाँ से कैब है सांकरी के लिए. फिलहाल का टेम्परेचर है 2 डिग्री हो रखा है. चलिए मैं आपको बाहर दिखाता हूँ कैसी आ रही है. देख सकते हो मुझसे बाहर निकल रही होती. होटल में रुके थे, होटल आश्रे, एंड काफ़ी अच्छा होटल था, काफ़ी अच्छा होटल था. लाइक 4 बेडिंग मिल गई थी काफ़ी आसानी से, रूम हीटर भी मिल जाएगा अगर आप डिमांड करो तो. एंड पर नाइट कुछ 1400 ले रहे हैं लोग 4 जन के लिए, तो मैनेजेबल है एक्सपेंसेस. तो हम लोग एक रात दिल्ली देहरादून में रुके. अब सुबह 7:30 बज रहे सुबह के. कैब कुछ देर में आते होगी तो नाश्ता पानी करके सांकरी के लिए निकलना है. तो मैं एक बार आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ. तो हम पहुँचे उत्तराखंड की राजधानी यानी कि देहरादून में. देहरादून ने हमारा काफ़ी अच्छे से स्वागत किया. यहाँ लैंड करते ही पहाड़ों की ठंडी हवाएं महसूस होने लगी थी, एक सुकून सा था उन हवाओं में. और तब जाके लगा कि आगे की कहानी यादगार होने वाली है.